हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। और आज इसकी फिफ्थ और लास्ट क्लास, बिल्कुल सही, फिफ्थ और लास्ट क्लास है। और आज हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने अगर पहले सेशन नहीं दे रखे तो जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उससे पहले हम देख लेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए बच्चों, सीधा जंप करते हैं कि आज जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ नुकसान भी हैं जो हमको झेलने पड़ेंगे। क्या क्या दे रखा है, पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या है जरा पढ़ें एक एक करके। सबसे पहला एडवांटेज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों होती है, क्योंकि आप नए नए रिस्क लेते हो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क कैपेसिटी बहुत होती है। आप नए नए एडवेंचर करते हो। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना है, बिल्कुल सही। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ थे, लेकिन बाद में उनको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था, बिल्कुल सही। और जब एप्पल कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया था तो उन्होंने पिक्सार कंपनी स्टार्ट करी थी। एक कंपनी थी नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करी थी, जो कि बाद में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। तो मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड, ओरिजिनैलिटी। ओरिजिनैलिटी का मतलब होता है कि आप किसी को कॉपी नहीं करते हो, कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई सर्विस ऑफर कर सकते हो जो किसी ने आज तक ऑफर नहीं करी। होता है ना कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर हो। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है आईपॉड का, आईपैड का। तो मतलब इससे पहले किसी ने आईपॉड नहीं बनाया था, आईपैड नहीं बनाया था, लेकिन एप्पल कंपनी ने पहले बनाया था। तो मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर सोच के। और आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे सोच रहे हो जो किसी ने आज तक नहीं बनाया, तो समझ लो आप इन फ्यूचर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। तीसरी जो एडवांटेज है बच्चों वो क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि यहाँ पर आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। सो भी सारे डिसीजन होंगे ये आप सारे खुद लोगे, आपको किसी से परमिशन वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, लेकिन इसके संग आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रैशनल सैलरी। रैशनल सैलरी का मतलब है कि आपको आपके टाइम के बेसिस पर पेमेंट नहीं मिलती कि मैंने महीना भर काम कर लिया तो मुझे महीने की सैलरी दो, चार दिन नहीं आया तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। यहाँ पर आपको वो पे किया जाता है जितना आप वर्थ रखते हो, जितना आपने काम किया, जितने आपके एफर्ट्स लगे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रैशनल सैलरी मिलती है आपके टाइम के बेसिस पे नहीं मिलती। किस बेसिस मिलती है, जो आप एक्चुअल में वर्थ रखते हो, जितनी आपको आप जिस चीज के हकदार हो। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट बींग पेड वॉट दे आर वर्थ बट वुड रादर वर्क ऑन देयर ओन एंड अर्न मनी फॉर देयर ओन एफर्ट्स। समझ में आ रही है चीज, आपको अपने एफर्ट्स के बदले में पैसा मिलता है। और जो लास्ट एडवांटेज दे रखा है वो है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको लगता है कि इस आइडिया पे काम करना चाहिए, इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है, तो आप उस पर अपने मन चाहे तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी से परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर कैन वर्क ऑन एनी आइडिया विच दे फील इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल वेंचर। आया समझ में, अगर आपको लगता है कि ये आइडिया जो है इन फ्यूचर बढ़ सकता है, तो आप उस पर काम अपनी मर्जी से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है। वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस है ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन अब ये 4-5 आपको याद रखने हैं। पहला, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ओरिजिनलिटी है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विस। इंडिपेंडेंस है, आप अपने खुद के बॉस हो। रैशनल सैलरी, आपको अपने एफर्ट्स के बदले में पे किया जाता है। लास्ट, फ्रीडम, यू कैन वर्क ऑन एनी आइडिया विच यू वॉन्ट। क्लियर हो गया, ओके। लेकिन एडवांटेजेस हैं तो बच्चों डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। मतलब हर चीज अच्छी नहीं होती, हर सिक्के के दो पहलू, एक हेड है तो एक टेल है। तो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहली डिसएडवांटेज क्या है, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो ध्यान रखना आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। और जॉब छोड़ने का मतलब है कि हर महीने जो सैलरी आती थी वो भी छोड़नी पड़ेगी। मतलब ये
कमाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बिजनेस चला तो पैसा मिलेगा, बिजनेस नहीं चला तो पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया? लेकिन जॉब में क्या होता था, जिस जहां पर आप काम करते हो वो चले ना चले लेकिन आपको सैलरी जरूर मिलती थी, आप वहां पे सिक्योर फील करते थे कि हाँ भाई कुछ ना हो ये सैलरी तो आती रहेगी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको जॉब वाली जो सैलरी है उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? Starting your own business means that you must be willing up to give up the security of the regular paycheck. आपका जो हर महीने पैसा आता था उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा होता है benefits. Benefit का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत ही कम benefits आपको मिलते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। समझ में आ रहे हो? क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा। तीसरा है work schedule या schedule. जॉब में क्या है, 9 to 5, 9 to 8, 9 to 10 एक फिक्स टाइमिंग है, काम करो घर लौटो। लेकिन एंटरप्रेन्योर का 24 घंटे काम होता है, सातों दिन काम होता है, साल के 365 दिन 365 डेज काम होता है, क्योंकि आप ही हो जो बिजनेस को संभालेगा, आप ही हो जो बिजनेस को चलाएगा, आप ही हो जो बिजनेस को ग्रो कराएगा। लोग कहते हैं ना मुझे 9 to 5 काम नहीं करना, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। जब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं ना तो भैया वो फिर कभी रेस्ट ही नहीं करते हैं, रात को सो रहे तो भी बिजनेस ख्याल में है, सुबह उठते तो बिजनेस ख्याल में, खाना खा रहे तो बिजनेस ख्याल में। तो आपका कोई भी वर्क शेड्यूल नहीं होता, कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी कभी भी कुछ हो जाता है तो आपको तुरंत काम पर पहुंचना पड़ता है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक वर्क शेड्यूल ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम। क्या लिखा हुआ है? दिस वर्क शेड्यूल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज नेवर प्रेडिक्टेबल। पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ 9 से 5 ही काम करना है, कोई भी इमरजेंसी किसी भी सेकंड आ सकती है। और भैया रात तक देर काम करना तो भैया तो कॉमन बात हो गई है आजकल, लोग रात को 12-12 बजे 1 बजे घर लौट रहे हैं, कुछ तो भैया ऑफिस में ही सो जाते हैं कि भैया अगले दिन सुबह के टाइम वेस्ट होगा तो रात को ऑफिस में ही सो जाते हैं। समझ में आ रही है चीज? तो वर्क शेड्यूल कोई नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेगा, आप खुद लोगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप खुद लोगे, कोई भी आपसे ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना। यू आर द ओनली बॉस दैट विल टेक ऑल द डिसीजन एंड यू विल द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन। समझ में आ रहा है? और एक डिसीजन अगर गलत हो गया तो ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर कॉशियस व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। और आपको लास्ट जो दे रखा है, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। इनकॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको ऐसा फील होता है कि यार जो मेरे स्टाफ है इनको कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही आता है, ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या उनके पास वो सोच नहीं है जो आपके पास है। तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो नाकारा स्टाफ है, किसी काम का नहीं है। तो बच्चों ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। पहले आपको रेगुलर सैलरी छोड़नी पड़ेगी, आपको कम बेनिफिट्स मिलते हैं, वर्क शेड्यूल आपको कुछ होता नहीं है, 24 घंटे आपको काम करना होता है, किसी भी मैटर कोई इमरजेंसी आ सकती है, सारे डिसीजन आपको खुद लेने हैं, आप तो बॉस, आपसे ऊपर कोई है नहीं, और कोई भी गलत डिसीजन हो गया तो बिजनेस उल्टा पड़ सकता है। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी टीम बहुत बेकार है, मेरे एम्प्लॉयज बहुत बेकार है, ऐसी फीलिंग कभी कभी आती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले। चलो बच्चों एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कवर करते हैं। हम बोलते हैं ना कि यार चलो ये काम करते हैं, एक आइडिया आता है, लेकिन आइडिया आने से पहले भी एक चीज होती है, वो होती है सेल्फ डिस्कवरी। आप किस चीज में अच्छे हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक टीचर हूं, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे बच्चों के संग कनेक्ट करना पसंद है। तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं बच्चों के संग इजिली कनेक्ट हो जाता हूँ, मुझे पढ़ाना आता है। और मेरी वीकनेसेस क्या है कि भैया मैं अभी टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एडवांस नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो मेरी ये वीकनेस है। मतलब ये मैं अपना पोटेंशियल जान रहा हूँ कि मैं किस काबिल हूँ, तो मैं अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर रहा हूँ। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? लर्निंग व्हाट दे डू एंजॉयिंग। आपको क्या काम करना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ है मैं बच्चों के साथ इजिली कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरी वीकनेस ये है कि हाँ भाई मैं अभी इतना ज्यादा फेमस नहीं हूँ। तो जब ये सारी चीजें पता लग जाती हैं तो आपको, आप फिर क्या कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वॉन्ट्स क्या है, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो अभी तक उनके फुलफिल नहीं हुए हैं। और अगर वो फुलफिल नहीं हुए हैं तो क्या आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर जो सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन जो साउथ के बच्चे हैं वो हिंदी इतने अच्छे से नहीं समझते, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, टोटली इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं आपके बिजनेस स्टडीज को, इकोनॉमिक्स को, अकाउंट्स के, तो मैं साधन पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट कर पाऊंगा, उनको टारगेट कर पाऊंगा, तो मेरे लिए ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारे टीचर्स किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू कर दूं तो ये क्या, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब है बच्चों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत है, बच्चों के अकाउंट्स में आंसर नहीं आते हैं, बिजनेस में केस स्टडी सॉल्व नहीं होती है, तो अगर मैं उनकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूं तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और इसके लिए पैसे भी कमा सकता हूं। तो कहने का मतलब है मैंने सेल्फ डिस्कवरी करी, मुझे पढ़ाना अच्छा आता है, यहाँ पे मेरे को आइडिया डिस्कवर हुआ कि हाँ भाई मैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, उनको प्रैक्टिस करवा के, उनको मेंटोर करके कि कब क्या पढ़ना है। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के बाद हम आइडिया जनरेट करते हैं और फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये काम करने लायक आइडिया है कि भी नहीं। और ये कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ऐसे करेंगे तो हम एक बेस्ट आइडिया बना लेंगे। तो पहले हमने देखा कि हम क्या है, हमको क्या करना पसंद है, सेल्फ डिस्कवरी। फिर हमने अपॉर्चुनिटी देखी क्या कि लोगों की नीड्स है, वॉन्ट्स है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है जो उनकी पूरी नहीं हो रही है। फिर हमने देखा आइडिया क्या कि कोई ऐसी चीज है जिससे उनकी वो प्रॉब्लम को पूरा कर सकते हैं, उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो हाँ अगर कर सकते हैं तो आइडिया को इवेल्युएट करो और देखो क्या क्या वो फिजिबल है, करने लायक है कि नहीं। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो चाहिए होंगी उस आइडिया को एक बिजनेस बनाने के लिए। क्या लिखा हुआ है, रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। आप रिसर्च करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगी उस आइडिया को एक बिजनेस बनाने के लिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाना बच्चों को, क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास क्या कहते हैं पेन टेबलेट होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सका सकूं, नहीं तो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। मतलब मैं रिसोर्सेज देखूंगा कि किस तरीके से मैं उस आइडिया को, उस प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर हो गया। ये रिसर्च करने के बाद आप कैसे करोगे, आप बिजनेस प्लान्स बनाओगे, स्ट्रेटेजीज बनाओगे, किस तरीके से उस आइडिया को कंप्लीट किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है, ओके। इसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली बात है आप अपना पैसा लगाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा रेज करोगे, आप पैसा उधार पर लोगे। उधार कैसे ले सकते हो, आप इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस प्लान दिखाओगे कि देखो मेरा कैसा बिजनेस आइडिया है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझ पर पैसा लगा सकते हो। आप इन्वेस्टर से बड़े जो लोग होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके पास जा सकते हो, उनको बिजनेस आइडिया दिखा सकते हो। आप पार्टनर्स बना सकते हो, आप लोगों को कह सकते हो कि आओ चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पैसा रेज कर लोगे। और यहाँ पर पैसा रेस करने के लिए आप कुछ प्रोटोटाइप बना सकते हो। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कुछ सैंपल क्रिएट कर सकते हो कि किस तरीके से आप पढ़ाओगे या कौन सा प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हो, तो सैंपल भी बना सकते हो। क्लियर हो गया। या फिर कोई सर्विस देना चाहते हो तो आप उसकी टेस्ट सर्विस भी कर सकते हो कि आपने 10 लोगों को सर्विस दी थी तो उनका ये रिस्पॉन्स था, तो यही चीज हम 100 लोगों को सर्विस देंगे तो उनका भी सिमिलर रिस्पॉन्स होगा। तो मतलब आप उनको दिखाओगे ना कि आप एक्चुअल में काम क्या करना चाहते हो। सिर्फ आइडिया पे लोग पैसा नहीं लगाते, वो देखते हैं कि आपका आइडिया एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया। ये से करने के बाद आप स्टार्टअप कर दोगे। स्टार्टअप का मतलब है आप बिजनेस को चालू कर दोगे, कस्टमर को डेवलप करना चालू कर दोगे, मार्केटिंग करोगे और एक्चुअल में काम करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर हो रहा है। प्लानिंग हो गई क्या क्या चाहिए होगा, उसके बाद पैसा भी उठा लिया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या कराओगे, उनको ग्रो कराओगे। बिजनेस को ग्रो कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे कराओगे ग्रो, आप न्यू प्लान्स बनाओगे, स्ट्रेटेजीज बनाओगे, आप न्यू सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करोगे, नए प्रोडक्ट लाइन बढ़ाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो कराओगे। क्लियर हो रहा है। और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, हार्वेस्ट।
ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने बिजनेस चालू किया, बिजनेस अच्छा चल भी रहा है और आपको लगता है कि यार अब ठीक है मेरा काम तो हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी मैंने कर ली, अब मुझे कुछ नया करना है। नया तब आप करोगे जब आपका इस बिजनेस से ध्यान हटेगा, तो लोग क्या करते हैं उस बिजनेस को बेच देते हैं और फिर एक नए वेंचर की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसा होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को, अपनी एंटरप्राइज को किसी बड़े पर्सन को बेच देते हो, वहां से पैसा आता है और फिर आप कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चल पड़ते हो। तो ये होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा नहीं है कि एक ही बिजनेस करना है जीवन भर, वो मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं। कैसे करते हैं, पहले एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसको सॉल्व किया, बिजनेस बनाया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, बिजनेस बेच दिया, फिर नई प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, नई एंटरप्राइज बनाते हैं, नया बिजनेस करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, मतलब जो बोया है, जो उग गया, उसे हार्वेस्ट करो, बेचो और निकलो। तो ये भी चीज होती है। क्या लिखा हुआ है, सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स। तो जो भी प्रॉफिट कमाया, जो बिजनेस को बेचने जो पैसा हुआ, वो आप घर ले जाते हो। और कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो नए वेंचर्स, न्यू चैलेंजेस की तरफ चल पड़ते हैं और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों हमारी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो, आइडिया को जनरेट करते हो, वैल्यूएट करते हो, प्लानिंग करते हो क्या हो सकता है, क्या क्या चाहिए होगा, उसके बाद पैसा रेज करते हो, बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो रेज करते हो कैपिटल को, ठीक है, स्टार्ट भी कर दिया आपने, बिजनेस को ग्रो कराओगे और लास्ट में आप क्या कर लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। देखो बच्चों, इसके बाद वाले पेज पे सिर्फ समरी आ गई है जो कि आप पढ़ लेना। एक बार आपको पूरा चैप्टर दिखा देता हूं, क्योंकि हमने देखो कहां से स्टार्ट किया था। एक सेकंड रुकना। देखो बच्चों, पहला पेज है ये, हमने कर लिया था, ये मैंने बोला था इसे ज्ञानबाजी दे रखी है, वो रीड कर लेना। ये पेज हो गया, ये भी पेज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो सारे पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए और एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये बच्चों चैप्टर खत्म हो गया है, बैक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे, आप रीड कर लेना और पढ़ लेना। तो बच्चों इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन होता है कंप्लीट। अब आपसे मुलाकात होगी सेकेंड चैप्टर के अंदर। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।